कोटा में आज अपर जिला न्यायालय क्रम संख्या 5 ने 4 साल पुरानी हत्या के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है। चाकू मारकर सत्यनारायण नाम के व्यक्ति की जघन्य हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 23 गवाहों के बयान हुए। इसके बाद आज कोर्ट ने आरोपी जगन्नाथ और उसके बेटे हीरा लाल को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोटा ग्रामीण के सुकेत में एक युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। युवक राजेश बाइक पर सवार था और चाइनीज मांझा उसके चेहरे पर आकर लगा तो चेहरा बुरी तरीके से लहूलुहान हो गया। घायल हालत में युवक को पास के अस्पताल ले जाया गया। चेहरे पर आंखों की पलकों के पास जगह जगह कट लगने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा टांके लगे हैं। कोटा ग्रामीण के सुकेत का ये मामला है। कोटा में आवारा मवेशियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के बीच लड़ते हुए आवारा मवेशियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर के छावनी इलाके में भी आज 2 सांडों की जमकर भिड़ंत हुई। काफी देर तक सांडों की लड़ाई के दौरान बाजार में जाम के हालात तक बन गए। सर्द मौसम के बीच कोटा में गर्म कपड़ों की बिक्री भी जोरों पर है। कोटा के दशहरा मैदान के पास चल रही वुलन सेल में पहुंचकर शहरवासी गर्म कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। लगातार 2 दिन तक बड़ी तेज ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े खरीदने वालों का तांता लग रहा है। हर साल की तरह इस साल भी इस वुलन सेल में सस्ते दामों में गर्म कपड़ों की कई बेहतरीन वैरायटी मौजूद है। खेल एवं युवा मामले विभाग के भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता 2022-23 की मेजबानी कोटा विश्वविद्यालय को दी गई है। कल से नयापुरा महाराव उमेश सिंह स्टेडियम में प्रतियोगिता का आगाज होगा। इस प्रतियोगिता में देश के सभी 4 पूर्व पश्चिम उत्तर व दक्षिण क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों की शीर्ष 16 टीमें भाग लेंगी, जिसमें लगभग 350 खिलाड़ी और 50 कोच मैनेजर भाग लेंगे। प्रतियोगिता को लेकर आज सभी टीमों के कोच और मैनेजर की बैठक हुई, जिसमें खेल मंडल अध्यक्ष डॉक्टर एकता धारीवाल ने इस मेजबानी पर खुशी जाहिर करते हुए सभी को स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।